अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबू तालिब फ्रॉम priceway.pk और आज हम आपके लिए लाए नोकिया के नए फ्लैगशिप फ़ोन नोकिया 8 का एक्सटेंडेड रिव्यू। नोकिया 8 2018 में लॉन्च हुआ है, नोकिया का नया फ़ोन है ये और ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। हमारे पास पॉलिश्ड कॉपर में है ये फ़ोन और इसके अलावा इस फ़ोन में पॉलिश ब्लू और नॉर्मल ब्लू कलर्स भी अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग काफ़ी डिसेंट पैकिंग है और शुरू में आपके पास एक नोकिया 8 का फर्स्ट लुक और नोकिया की ब्रांडिंग भी है और एक अच्छा सा वॉलपेपर भी है इस फ़ोन पे। पीछे ऑन द बैक साइड ऑफ दिस बॉक्स हमारे पास थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन के लिए। एंड्रॉयड 7.1.1 रॉकेट के साथ है ये फ़ोन और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट है। 5.3 इंच क्यूब एचडी डिस्प्ले, 4GB रैम, 64GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज। जीस ऑप्टिक्स के जो इसके रियर कैमराज हैं वो 13 MP डुअल कैमराज हैं जीस ऑप्टिक्स की हेल्प के साथ बनाए हुए और 13 MP फ्रंट कैमरा विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेल्फी कैमरा भी है इस फ़ोन में। आई एम सरप्राइज कि नोकिया ने इतने अच्छे कैमरे रखे हैं इस फ़ोन में और रियली एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स फॉर दिस कैमराज। देन लेट्स गेट टू द अनबॉक्सिंग ऑफ द फ़ोन। काफ़ी डिसेंट बॉक्सिंग है असल में और हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ द फ़ोन। I absolutely love the color. जो एल्यूमिनियम इसके बैग पे काफ़ी ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की लुक दिखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इशू है इस फ़ोन में कि काफ़ी ज़्यादा फिंगर प्रिंट्स आते हैं जब आप इस फ़ोन के जनरली इस्तेमाल करते हैं। आई जस्ट गॉट दिस फोन ओपन अप और अभी से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिंगर प्रिंट्स है फ्रंट साइड पर भी और बैक एल्यूमिनियम पर भी। खैर अपार्ट फ्राम दैट हमारे ऊपर एक 3.5 mm जैक है जो कि अब आमतौर से फ़ोन में नहीं आता इतना ज़्यादा। हमारे राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। ऑन द बॉटम साइड ऑफ द फ़ोन हमारे पास एक स्पीकर ओपनिंग है और USB टाइप सी पोर्ट है और एक अदर माइक्रोफोन है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिम जैकेट है और ऑन द बैक साइड वी हैव द जीस ऑप्टिक्स लेंजेज। ये आपके पहला और दूसरा लेंजेज हैं और नोकिया की ब्रांडिंग हुई भी है, फ्लैश है और ऊपर एक और माइक्रोफोन भी है जो कि जनरली स्काइप वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है और उसके अलावा हमारे पास बॉक्स में और वारंटी कार्ड और ये यूज़र मैनुअल है। उसके अलावा ये सिम जैक टूल है और ये बॉक्स में आए गए डिफ़ॉल्ट ईयरफोन्स। देखने में तो फर्स्ट लुक ईयरफोन से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंटली डिज़ाइंड ईयरफोन्स हैं ये और स्टडी किस्म के ईयरफोन्स हैं। आई होप द लास्ट एज लॉन्ग एज लुक लाइक क्वालिटी बाद में पता चलेगा जब हम इस्तेमाल करेंगे इन फोन्स को। लेट्स कीप दिस असाइड फॉर नाउ। उसके अलावा हमारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी हैं इस बॉक्स के अंदर। एक और बॉक्स है जिसके अंदर आई सपोज चार्जर होगा। नोकिया 8 जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग करने के लिए ज़रूरी है कि एक स्पेशल डॉक हो, जिस तरह से आपको बॉक्स में ये पावर ब्रेक मिलती है। ये पावर ब्रेक नोकिया 8 के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। उसके अलावा हमारे पास ये चार्जिंग केबल है USB टाइप सी, फास्ट चार्जिंग इनेबल दोनों चीज़ें। लेट्स कीप दीज असाइड फॉर नाउ और लेट्स जंप टू ट्रेंडिंग ऑन द फोन नाउ। लव द डिज़ाइन, लव द एसेटिक्स ऑफ द फोन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, वेल डन नोकिया। जब आप ऑन करते हैं थोड़ा सा वाइब्रेट होता है फ़ोन और ये पावर्ड बाय एंड्रॉयड, काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है फ़ोन के लिए। Alright, so the phone is finally turned on. ये सेटअप मैं कर चुका था पहले ही इसके लिए और काफ़ी वाइब्रेंट स्क्रीन है इसकी, क्योंकि QHD डिस्प्ले है तो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी अच्छी स्क्रीन है इसकी। काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड नोगेट इस ये साथ आता है इस फ़ोन के। और फोन में अगर हम जाएँ और तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड नोगेट 7.1.1। इसका कैपेसिटी टच बटन जो इसका बटन जो है होम बटन, ये एक्चुअली बटन नहीं है, कैपेसिटी टच है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी है साथ। थोड़ी सी स्पीड चेक करने के लिए ब्राउज़र खोलते हैं इसका। priceway.pk हमने खोल लिया और काफ़ी जल्दी ये वेबसाइट लोड भी है। द स्नैपड्रैगन 835 वर्क्स लाइक ए चार्म ऑनेस्टली। काफ़ी तेज ब्राउजिंग है, आप देख सकते हैं फोन की स्क्रॉल डाउन वगैरह सब कुछ, वेरी वेल डन, काफ़ी फास्ट, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ फोन है।
इसके कैमरे के बारे में काफ़ी मैंने सुना है, इसके जो रेड डुअल कैमरा है गैलेक्सी ऑप्टिक्स ईच 30 मेगापिक्सल और इसके फ्रंट कैमरा भी 30 मेगापिक्सल का है। तो लेटेस्ट नॉट इज दैट इसमें जो एक कैमरा है वो मोनो है, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट में से पिक्चर्स देते हैं, और दूसरा कैमरा जो है दैट इज़ ए कलर कैमरा। इसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि जो जब आप पिक्चर देते हैं दोनों कैमराज के साथ तो वो बहुत शार्प और बहुत कलर करेक्टेड होती हैं पिक्चर्स। तो सैम्पल शॉट्स आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। और इसमें एक और फीचर ये है कि आप दोनों कैमराज फ्रंट और रेयर एक टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पिक्चर लें तो दोनों कैमरे से पिक्चर लेगा, जिस तरह अभी आप देखा ये पिक्चर एक है जिसमें फ्रंट और रेयर कैमरे दोनों यूज हुए हैं। और ऐप इज प्रीटी अमेजिंग एज वेल। ये नोकिया ने स्पेसिफिकली नोकिया 8 के लिए डिज़ाइन की है क्योंकि इसमें डुअल कैमरा सिस्टम है जो कि पहले किसी नोकिया में नहीं आया। ओके, सो इस फ़ोन के बॉटम साइड पे एक स्पीकर ओपनिंग भी है, तो आई हर्ड ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है इस फोन के लिए, तो लेट अस नाउ चेक दैट आउट। Hello viewers, this is Price Wave where we bring you the latest from the tech world. और आज जो हम फोन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है OnePlus का Moto 5. इस फोन की right off the bat if you see though the phone looks like iPhone 7 काफी अच्छा फील है। क्वालिटी भी फेयरली डिसेंट है लेकिन इसके लाउडनेस काफी ज्यादा है। कैमरा, सॉफ्टवेयर, यहां तक कि उसकी फ्लैश और माइक्रोफोन की भी प्लेसमेंट। फाइनल रिव्यूज ऑफ द फोन, बहुत एस्थेटिकली डिज़ाइन बहुत अच्छा है फ़ोन का। स्पीकर की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, यूएसबी टाइप सी है तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी कर सकते, सपोर्ट करता है ये फ़ोन। फास्ट चार्जिंग के बेसिकली मतलब ये होता है कि आप 10-15 मिनट्स में अबाउट 70-80% फोन चार्ज कर सकते हैं। आई लव द स्क्रीन, द स्टॉक एंड्रॉइड लुक्स अमेजिंग विद नोकिया विच वॉज नॉट वेरी कॉमन अर्लियर ऑन। सरप्राइज बाय द फाइनल लुक ऑफ द फोन, लव एवरीथिंग अबाउट इट। कैमरा डुअल लेंस का, डुअल लेंसेज हैं, फ्रंट 30 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, लव एवरीथिंग अबाउट इट। Thank you for watching Priceway, or I hope you get this phone for yourself. Have a nice day. Bye, office.